असलम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज जुनेटिक इंजीनियरिंग बेनिफिट्स एंड रिस्क लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर चैप्टर फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आप मुझे बता दें कि आपको कौन सा चैप्टर या टॉपिक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट लगता है तो हम उसी को पहले स्टार्ट कर लेंगे अदरवाइज फिर हम जो अपनी रूटीन से काम करे थे उसके मुताबिक ही लेक्चर्स जो हैं वो करते रहेंगे ठीक है जी और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें ज्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और इसके अलावा जो है आप वीडियोस को फुल फुल वॉच करें और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें और डीएम करके मुझे बताएं अगर आपको किसी भी तरह के टॉपिक के लिए यानी कोई आपकी क्यूरी है पूछ सकते हैं तो हम उसको लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड अब सबसे पहले क्योंकि हम सारा जो है वो उसके बेनिफिट्स प्रैक्टिकल यूजेस सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं अब कुछ थोड़े से बेनिफिट्स जो हैं कह लें आप अदर बेनिफिट्स के तौर पे आज डिस्कस करेंगे दो तीन वो देखने हैं और इसके अलावा हमने रिस्क देख लेने हैं तो जो बेनिफिट्स हैं और इसके अलावा जेनेटिक जेनाटिक के और क्या हो सकते हैं जैसे हमने जो मेन मेन बड़े बड़े थे इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड वगैरह वो हमने देख ले तो उसका लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी दोबारा उसको वॉच कर लें और जिन्होंने नहीं देखा वो भी उसको देख लें और यहाँ पे जो है जो लास्ट एक कह लें से यूजेस हैं और भी इसके जो फायदे हो सकते हैं हमें वो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है अब जेनेटिसिस ट्रांसफर द जीन फॉर दू दू दिटूनिया में उन्होंने जीन डाले To the यानि ऐसा किया कि के जीन लिए और उसको डाल दिया नॉर्मल पेटोनिया में अब डेजर्ट पेटूनिया के जो जीन होंगे तो उनका क्या मेन उनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा कि वो उसको एरिड इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करते यानि हैं यानी ऐसे प्लांट्स हैं जब आपको पता है कि डेजर्ट में रहने वाले जो भी प्लांट्स होंगे वो ऐसे इस तरह से अडोप्टेड होंगे कि वो जो है वो लेस वाटर यूज करते होंगे वो एरिड इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं ड्राई इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं तो वो वाले जीन उन्होंने लिए डेजर्ट इनवायरमेंट या डेजर्ट रेजिस्टेंस या ड्राई इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस वाले जीन लिए उनको डाल दिया नॉर्मल पेटोनियास में जो आम पेटोनियास ग्रो करते हैं उससे फिर फायदा क्या हुआ रिजल्टिंग इन द प्लांट्स डेट रिक्वायर फोर्टी परसेंट लेस वाटर ऐसे प्लांट्स बन गए जिसको फोर्टी परसेंट लेस वाटर की जरूरत थी यानी पहले पेटूनियस को ग्रो करने के लिए अगर हमें हंड्रेड परसेंट वाटर चाहिए था तो अब हमें फोर्टी परसेंट चाहिए यानी साठ परसेंट का जो है हम उसमें पानी या वाटर जो है उसको आसानी से सेव कर सकते हैं उसको फिर दूसरे पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है तो ये इसका फायदा हुआ इफ सच ड्राउट रेजिस्टेंट जीन्स आर ट्रांसफर्ड इन दी ड्राउट क्रॉप प्लांट्स और अगर इस तरह के ड्राउट रेजिस्टेंट जीन्स हैं वो क्रॉप प्लांट्स में डाल दिए जाए यानी फसलों में डाल दिया जाए तो उसका क्या होगा दी अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड विल भी ग्रेटली रिड्यूस तो वो वाटर की जो अमाउंट उनको चाहिए वो बहुत हद तक कम हो सकती है और इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है उसके अलावा एमोडिफाइड आइस माइनस बैक्टेरियम सूडोम या सैरिंजा या सेजा में से उन्होंने एक यानी जीन लिया उसको क्या किया इट हैड बिन डेवेलपूस दिलिटी ऑफ द प्लांट टू फ्रॉस्ट एंड देर फॉर ऑल्टर द अर्ली प्लाटिंग उसका फायदा अलो द अर्ली प्लांटिंग उसका फायदा ये हुआ कि प्लांट था यानी बैक्टेरियम था स्यूदो,

नहीं करना पड़ता था और पहले ही प्लांट्स को लगा दिया जाता है तो ये फायदा मिल गया एक और उसके अलावा क्या है जी आर बीइंग मेड और भी क्या क्या अटेम्प्ट किए गए हैं टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन के नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी प्लांट्स में बढ़ाई जा सके यानी प्लांट्स को आसानी से नाइट्रोजन अवेलेबल हो क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग फैक्टर इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन में एक लिमिटिंग फैक्टर है अगर नाइट्रोजन कम पड़ जाता है तो फिर वो क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरह उस पर असर होता है बुरी तरह से अंदाज होती है वो ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन उसमें वो जीन डाल दिए जिन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन जो अच्छे तरीके से करवा सकते थे सच एज़ एंड मेज डेट डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन वीट और मेज में नाइट्रोजन फिक्स करने की कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होती तो ऐसा किया कि जीन उसमें डाल दिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर और उससे फिर फायदा ये हो कि आसानी से नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं अपने साइकिल में तो ये कुछ और बेनिफिट आपके लिए हम उठा सकते हैं किससे किनेटिक तो इंजनरी से फायदे ले सकते हैं हासिल कर सकते हैं इसके बाद बारी आती है रिस्क जेनेटिक इंजीनियरिंग अब हमने इतना काम कर लिया आपको पता है कि हम कुछ भी करते हैं साइंटिफिकली तो उसमें अगर हमें बेनिफिट्स बेनिफिट्स मिल मिल रहे है, मिल रहे हैं हैं तो उसमें टेन ट्वेंटी परसेंट जो हम है ना उसका या रिस्क फैक्टर जिसको हम कहते हैं वो भी जरूर होगा या अगर नाइन्टी नाइन भी बेनिफिशियल उसका इफेक्ट है फायदा आ रहा है तो उसमें वन टू रिस्क फैक्टर जरूर होता है क्योंकि आपने केमिकली ट्रीट करने आपने नेचर से थोड़ा सा हटना जरूर है तो जब आप नेचर से हट के कोई भी काम करोगे ना तो वो आपको हंड्रेड परसेंट फायदा कभी भी नहीं देगा ठीक है नाइनटी परसेंट नाइन नाइनटी नाइन परसेंट भी वो आपको फायदा दे, तो एक परसेंट उसमें रिस्क फैक्टर जरूर होगा तो इसलिए अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ही रहे हैं प्लांट्स को जो मॉडिफाई कर रहे हैं उनसे डिफरेंट डिफरेंट जो है बेनिफिट्स लेने के लिए लेकिन फिर भी वो हमें कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ नुकसान का जो उसमें एक अमल दखल जो है वो जरूर होगा कि कहीं पे कोई नुकसान भी हो सकता है साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है तो बेनिफिट्स एंड रिस्क इन बीइंग डिबेटेड यानी इस पे काफी बहस वगैरह हो चुकी है Some questions are, फिलोसोफिकल फॉर एग्जांपल इज इट एथिकल फॉर टू चेंज दू आल्टर दैट टू डू नॉट हैली तो वो कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो इसमें डिपेट हो चुकी है कि फायदा यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो फिलोसोफिकल क्वेश्चन है क्या ह्यूमन को ये काम करना भी चाहिए उसको जेनेटिकली जो है वो चेंज करना भी चाहिए प्लांट्स को या नहीं करना चाहिए चाहे वो अपने फायदे के लिए कर रहा हो क्या स्पीशीज को ये हक नहीं है कि वो नेचुरली ही इवॉल्व करे जबकि हम लोग तो इवॉल्व

अच्छा जी तो रिस्क क्या है द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन्स फॉर द हर्बिसाइड रेजिस्टेंस अगर हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वाले जीन डाल दिए प्लांट के अंदर यानी हर्ब्स जो है हर्ब्स को जो रेजिस्ट करते थे हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में ये सब लेक्चर्स के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी तो आप उनको दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाए मस्त जरूर देखिएगा ठीक है तो इरेडिकेट रेडिकेशन ऑफ द वीड्स यानी और वगैरह की रेडिकेशन तो हो गई हब्स के साथ क्योंकि रेजिस्टेंट प्लांट्स हमने बनाए However, it would the 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 amount of the land required for the agriculture. उसका नुकसान ये होता है कि जो land agriculture के लिए useful था ना उसमें कमी आती है कैसे आती है क्यों आती है Because the bare land may become the sites for the wheat production या wheat development. जब आप किसी crop को लगाते हो ना फसल जब लगाते हैं तो आपने उसमें सीड्स डाल दी है ना वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं अब प्लांट्स जब ग्रो करते हैं तो जाहिर है उसमें कुछ बेयर लैंड भी होता है कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं कर रहे ठीक है ना वो जो रियल क्रॉप थी या फसल थी वो वाला पौधा नहीं वहां पे ग्रो कर रहा लेकिन साइड पे कुछ हर्ब्स कुछ वीड्स वगैरह ग्रो कर रही थी ठीक है ना अब हर्ब्स और वीड जब ग्रो कर गई है वहां पे तो वो कवर था एरिया सारा लेकिन अगर आपने वो हर्बीज साइड रेसिस्टेंट केमिकल वहां पर यूज किया हुआ है तो उससे क्या होगा कि वो हर्ब और वीड्स वगैरह मर जाती हैं जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो खत्म हो जाती है सी केमिकल रेजिड्यूस इन सोयल। फिर जब वो, पे वो हब्स वगैरह सारी गलसड़ जाती है खत्म हो जाएंगी तो जब केमिकल ड्रॉपलेट थे या केमिकल थे हर भी साइड में वो केमिकल वहां पर सॉयल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे उसके रेजिड्यूज सॉयल में रह जाएंगे एज ए रिजल्ट इन द Uh, वहां पर जो केमिकल है वो केमिकल वहां, वहां से गायब तो नहीं हो गए ना अगर उन्होंने उन हार्ब्स और वीड्स वगैरह को खत्म कर भी दिया तो वो किसी ना किसी तरह उसके ड्रॉप सोयल में रह जाते हैं और फिर जब वो सॉइल में जाएंगे तो फिर हमारी नेक्स्ट फूड में वो आसानी से आ सकते हैं ठीक है क्योंकि वहां पर ग्रो कर रहे हैं, वहीं पे उनका इंटेक होगा वहीं पे दूसरे प्लांट्स ग्रो करेंगे वो उसको वहां से एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो ये फिर नुकसान जो है वो हो सकता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग के केस में ठीक है इसके अलावा फिर जो हमारा दूसरा रिस्क फैक्टर आ सकता है क्योंकि हमने हरबी साइड वाला पहले पढ़ा था फिर आ गया था इंसेक्टिसाइड वाला उसी तरह रिस्क भी जो है हरबी साइड और इंसेक्टिस के हिसाब से ही होंगे तो अब दूसरी दफा दूसरा जो बेनिफिट पड़ा था उससे से मिलता जुलता रिस्क हमारा क्या होगा द इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीन दैट डेट प्रोड्यूस दिन इंसेक्ट्स यानी हमने ऐसे जीन्स का इंट्रोडक्शन करवाया था प्लांट्स के अंदर Uh, कॉर्न प्लांट के अंदर जो इंसेक्ट्स को किल करता है या इंसेक्टिसाइड था ऐसे ही पड़ा था तो प्लांट्स पोजिस की प्रॉब्लम अब इसमें भी प्रॉब्लम आएगी कैसे प्रॉब्लम आएगी द टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पॉलन्स आपको पता था कि उसकी क्वालिटी ये थी कि उस जीन को डालने से पॉलन्स के अंदर टॉक्सिन बनता था और जब इंसेक्ट्स पॉलन्स को यानी उसको करने की कोशिश करते थे Pollen's के जरिए उनमें टॉक्सिन चला जाता था और वो मर जाते थे अब टॉक्सिन के अंदर जहर बन रहा है या टॉक्सिन 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 के के अंदर वो के अंदर वो वो और सॉरी पोलन बन रहा है तो जब पोलन के अंदर टॉक्सिन बन रहा है जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट में तो उसमें क्या होता है कि कॉर्न भी आपको पता है कि एक विंड पोलीटेड प्लांट है विंड पोलिनेटेड में ये जो इंसेक्ट्स वगैरह का वो है ना जैसे हमने बटरफ्लाई का पढ़ा था बटरफ्लाई का केस है तो वो जब विंड पोलिनेटेड होगा तो ये पोलंस

पत्तों के ऊपर तो देर इज एन अदर वरी उसके अलावा एक और वरी इज अ टॉक्सिक जो टॉक्सिक है दे आर आल्सो कॉन्टेमिनेट नेक्टर

और, और यानी फिर वही के वो सो सारा जहर था ना वो आप कह लो कि पूरे खेत में फैल जाएगा मुख्तलिफ तरीकों से हवा के जरिए पोलन के जरिए दूसरे पौधों पे चला गया स्टॉक्स वगैरह के जरिए इधर उधर फैल गया फील्ड में चला गया सॉयल में चला गया तो वो जो एक चीज या एक टॉक्सिम था जो हमने सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट के लिए बनाया था या पोलिनेटर्स के लिए बनाया था या बटरफ्लाइज के लिए बनाया था वो और भी बहुत सी चीजों को जो है वो असरअंदाज उनपे होगा और वहां पर भी फैल जाएगा ठीक है फूड तक में जा सकता है सो द प्लांट्स इंजीनियर्ड फॉर द ड्राउट रेजिस्टेंस इसी तरह जो ड्राउट रेजिस्टेंस के प्लांट अभी हम पढ़ के हटे हैं लास्ट में स्लाइड में फर्स्ट स्लाइड में अबाउट द को हमने ड्राउट बनाया so अबाउटनिया तो बाकी सारा पानी फिर कहा जाएगा लेस ऑफ द वाटर यानी यहाँ पे देखें लेस वाटर डायवर्टेड पानी सारा रिवर्स और लेक से डायवर्ट होना था प्लांट्स को देने के लिए देर सर प्लस ऑफ दाटर पानी फिर बहुत ज्यादा भर जाएगा यूज द ट्रांसफर इन द एरिड प्लांट जिनको हम एरिड प्लांट्स के लिए यूज कर सकते थे वो भी ऐसा था कि वो पानी अब वहां पे बहुत ज्यादा तो में हो जाएगा तो उसकी सरप्लस भी फिर नुकसान दे कहां से फिर सारा पानी जो है उसको स्टोरेज कैसे करें या पानी को कहाँ सेव करें या वो जो पानी वहां पे एक्स्ट्रा था वो भी फिर ज्यादा प्लांट्स को असरअंदाज होगा उनको बुरी तरह से उस पर अफेक्ट करेगा फिर कल्टिवेशन ऑफ द बेरल लैंड में टू इंक्रीजेस द प्रोडक्ट प्रोडक्शन अब क्योंकि हमने बेयर लैंड की भी कल्टीवेशन कर लिया है उसके ऊपर भी जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट लगाए जहां जहां नहीं भी ग्रो कर सकते थे ऐसे प्लांट्स बनाए जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स बनाए जो बंजर एरिया में या बेरन एरिया जो था वहां पे भी आसानी से ग्रो कर सकते थे चलो तो जी अब उनको भी लगा लिया अब जो थोड़ा सा फर्क पड़ भी रहा था स्टोरेज में या प्रोडक्शन में ओवर प्रोडक्शन हो गई ठीक है ओवर प्रोडक्शन से क्या पोज इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरेज सप्लाई एंड डिमांड प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी फिर उसमें यानी स्टोरेज हमारे पास स्टोरेज तो के लिए जगह नहीं बचेगी और सप्लाई हमारे पास ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है डिमांड थोड़ी हो तो फिर ये भी प्रॉब्लम आएगी कि अब ओवर प्रोडक्शन होगी तो उस सबको कहाँ पे संभालें ठीक है तो इस तरह से जो है हमारे पास तो इट वॉज टूडेज लेक्चर आई होप के लेक्चर आपको पसंद आया होगा ईजी भी लगा होगा ऐसा है तो कमेंट्स करें लाइक करें शेयर करें मुझे दुआ में याद रखें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज